वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आप जो ये प्यारा सा इतना सुंदर सा पीछे बैकड्रॉप देख रहे हो ना, ऑल थैंक्स टू हर। आज मैं रेखा के घर में हूँ। रेखा को आपने शायद देखा होगा ईपीएल वाले वीडियो में, जो क्रिकेट वाला वीडियो था। सो उनके हस्बैंड एंड माय हस्बैंड दे प्ले क्रिकेट टुगेदर। एंड व्हाई टुडे मैं उसका घर दिखा रही हूँ, बिकॉज रिसेंटली मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग इंटीरियर डिजाइनर, स्पेसिफिकली पुणे के लिए। सो रेखा है मेरी फ्रेंड है, इंटीरियर डिजाइनर है, तो आई थॉट कि उसका काम आपको दिखा दूं। एंड एट द एंड आई विल शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो यू कैन रिस्पॉन्ड टू देम। कुछ भी आपकी क्वेरी हो इंटीरियर से रिलेटेड, चलो आपको इसका घर दिखा देती हूँ। रेखा आप कुछ बताना चाहोगे जस्ट इन शॉर्ट? बेसिकली ये मॉडर्न हाउस है, बजट फ्रेंडली हाउस आई वोंट से, बट या यू कैन से अफोर्डेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है। एंड बेसिकली पेस्टल शेड्स मैंने चूज किए बिकॉज आई लाइक दोज कलर्स। आई मीन पेस्टल में ब्यूटीफुल सूदिंग आई को ना, मुझे बहुत कलर एंड मुझे लॉन्ग रन में जो अच्छा लगे वो चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आज ही इन है तो मुझे इन चाहिए, लाइक 10 इयर्स यू कैन सी एंड सूदिंग टू। इतना पैसा जब लगा रहे हैं तो 10 साल तो आप घर को लगे कि नहीं अभी इतना पुराना नहीं हुआ। राइट लाइक दैट। तो चलिए आपको दिखाती हूँ इनका सुंदर सा घर, उसके बाद आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल। ओके, सो एंट्री कुछ ऐसे होती है। सो एंट्रेंस में रेखा ने रखा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वास एंड शी हैज केप्ट दीज आर्टिफिशियल स्टिक्स विच लुक वेरी मॉडर्न एंड वेरी एलिगेंट। कमिंग टू दिस साइड यहाँ पे है शू रैक, ह्यूज शू रैक। अगर आपके पास भी ना ऐसा स्टॉक है शूज का, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस। सो कलर कॉम्बिनेशन शी हैज केप्ट वेरी लाइट कलर, जो सारा वुडन वर्क है वो, विद दैट शी हैज गिवन दिस वेरी ब्यूटिफुल सा एक कलर विच एड्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो काफी अच्छा ये कलर निकल के आया है यहाँ पे। एंड टू एड सम मोर कलर्स उसने यहाँ पे ग्रासेस लगाए हैं, एंड दैट ग्रासेस उसने यहाँ पे कुछ येलो कलर ऐड किया है। सो देर आर येलो, देर आर पिंक, देर आर ग्रीन। सो एंट्री पे ही यू गेट दीज वेरी नाइस ग्रीन और बिल्कुल नेचुरल, जो एक आपको लगता है ना नेचर के क्लोज एग्जैक्टली वैसा है। देन यहाँ पे उसने छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए एक वॉल पे यूनिट लगाया है। एंड देन यू कैन सी हियर छोटे छोटे क्यूट क्यूट से गोइंग विद द थीम। पूरा उसने एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड पूरा ग्रास एंड लीफ ये थीम रखा है। सो और ऊपर यस, ये मोस्टली सब इंडियन घर में हमको दिखेगा इस तरह का। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये पूरा वुडन एंट्री है एंड यहाँ पे आई जस्ट लव दिस। काफी लोग जाली लगाते हैं नो जस्ट टू सी कि बाहर कौन है। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि उसने जाली यूज नहीं किया है, शी हैज यूज दिस वुडन पूरा डोर, उसके बीच में शी हैज केप्ट दिस पार्ट ओपन विच लुक्स क्वाइट ब्यूटिफुल। और अंदर का कलर आप देखोगे ना, दिस गोज विद द एंटायर डेकोर ऑफ द हाउस। एंड बाहर का शी हैज केप्ट द कलर गोइंग विद द आउटसाइड का जो कलर है वो। चलिए लेट्स गेट इन। ओके, यहाँ पे फॉयर एरिया में शी हैज केप्ट इट वेरी सिंपल, एक गणपति बप्पा का रखा है उसने एंड शी हैज गिवन दिस ब्लू कलर। और ये सारे जो स्विच बोर्ड्स है ना हमारे यहाँ पे, दे आर वाइट एंड शी हैज गिवन दिस अ कलर वो चूज किया विच गोज विद द थीम ऑफ द हाउस। मोर ऑफ अ इंग्लिश काइंड ऑफ, जो मैं बोलूँ ना वैसा लुक आता है, वैसा फील आता है घर में एंटर होते ही। सो दिस वॉल विच यू सी ऑन दिस साइड लुक्स सो ब्यूटिफुल। मुझे एंटर होती सबसे पहले आई जस्ट लव दिस वॉल। इसमें पूरा मोल्डिंग का वर्क है, जैसे हमारे पुराने जमाने में दरवाजों पे जो हमारे मोल्डिंग होते थे ना, एग्जैक्टली ये वाला फील है यहाँ पे, गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक। एक छोटा सा यहाँ पे स्टैंड रखा है विद एन आर्टिफिशियल प्लांट, मोर ऑफ एन आर्टिफिशियल प्लांट शी हैज यूज्ड, बिकॉज मेंटेन करना इंडोर प्लांट इज अ बिट टफ, बट शी इज गोइंग टू गेट सम आई गेस, बट इट्स रियली लुक्स ब्यूटिफुल। मैं आपको ये वॉल थोड़ा दूर से अच्छे से दिखाती हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वॉल। सो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से ये। एंड द सोफा हैज दिस सॉलिड ग्रे कलर एंड उसके साथ में जो सारा ये आपका हाई चेयर है, जो जिसमें ना यू सी लॉट्स ऑफ इंस्टाग्राम के फोटोज आते हैं, इसमें बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बिल्कुल फ्लोरल गोइंग विद द कुशन। और इसको उसने सेम कलर में रखा है एंड आई लव द कलर कॉम्बिनेशन शी हैज चोजन। और यहाँ पे आपके जो कारपेट पे है इसमें भी ज्योमेट्रिक प्रिंट्स हैं, यू हैव दीज बेसिक पेस्टल कलर्स एंड पेस्टल कलर्स इज समथिंग विच आई ऑल्सो लव।
एंड यहाँ पे है एक इसका कैंडल स्टैंड विच शी लव्स वेरी मच, उसको बहुत पसंद है ये. ओके सो मैंने आपको ये वाला पार्ट दिखा दिया, लेट मी जस्ट कम बैक. यहाँ पे ये जो आप लैम्प्स देख रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू अ हार्ट. उसने पूरा कोशिश किया है टू गिव अ काइंड ऑफ जो पुराना एक एंटीक लुक होता है ना वैसा. सो एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है, लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. ओके सो ये वॉल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. फ्रॉम हियर यू कैन सी द कर्टन. तो यहाँ पे है विंडो काइंड ऑफ है, पूरा विंडो है, इधर डोर है. ओके उसने एक ही फ्रेम में पूरा कर्टन यूज किया है सो दैट ये पूरा एक टोटैलिटी में एक एंटायर लगता है कि इतना ओपन स्पेस है, जिसकी वजह से घर और सुंदर लगता है एंड इट गिव्स अ काइंड ऑफ स्मूथ फिनिशिंग टू द हाउस. आई एम सॉरी अगर मैं टेक्निकली गलत वर्ड यूज कर रही हूँ, बट मेरे दिमाग में यही आ रहा है इसको देख के. एंड द कर्टन्स आर जस्ट टू डाई फॉर, दे आर सो ब्यूटिफुल गोज. मतलब किसी घर में आई हैव सीन यू नो कर्टन्स अगर आप अच्छे यूज करते हो ना, घर का बिल्कुल डेकोर जो है ना बिल्कुल वो चेंज हो जाता है. सो आई लव दीज कर्टन्स. मैं आपको पास से थोड़ा दिखा देती हूँ. दिस एंटायर थिंग हैज बीन यू नो डिजाइंड एंड थॉट पूरा उसी का प्रोसेस है. शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर जैसे मैंने आपको बताया. सो ये देखिए ऐसा है, ऊपर शेयर है और पीछे जो आपका ब्लॉक करने वाला होता है ना, लाइट ब्लॉक करने वाला, ऐसा है. सो दिस इज समवॉट लाइक दिस. तो मैं इस एंगल से आपको ये वाला एक बार दिखा देती हूँ, देन आई टेक यू टू द अदर एंगल. सो घर यहां से कुछ ऐसा लगता है लाइक दिस. ओके इधर से हम अगर इधर आएंगे तो यहाँ पे है डाइनिंग एरिया. इसको काफी अच्छा लग रहा है, डाइनिंग एरिया इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल जस्ट बिकॉज ऑफ द मिरर जो उसने पूरा यहाँ पे वर्क किया है ना, अमेजिंग. और जो सबसे टफ पार्ट ना शी वॉज टेलिंग मी जो था वो है कि ये जो इस तरह के लैम्प्स या लाइट्स के जो पॉइंट्स निकालने होते हैं ना मिरर में, वो बहुत टफ होता है. सो हैट्स ऑफ टू हर, शी डिड अ वंडरफुल ब्यूटिफुल जॉब एंड दिस इज मी, हाय. सो बहुत ही सुंदर. एंड मिरर आप कहीं पे भी ऐड करते हो ना, दे मेक द प्लेस लुक ह्यूज, बहुत बड़ा ऐड करते लगता है वो प्लेस. सो दिस इज द डाइनिंग एरिया. सो मिरर की वजह से ना आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस. डाइनिंग एरिया हैज इट्स ओन वाइब. ओके सो यहां से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. सो दिस इज द डाइनिंग एरिया हियर. ओके यहां से हम घुमाती हूँ कैमरा को वापस. तो यहाँ पे वॉल पे शी हैज यूज दिस वॉल पेपर जो गोज विद द थीम ऑफ द हाउस. यहाँ पे है किचन एंड यहाँ पे है टीवी यूनिट. सो दिस इज द टीवी यूनिट. यहाँ पे उसने वॉच रखा हुआ है, क्लॉक है ऊपर एंड दिस इज द काइंड ऑफ वर्क ऑन द टीवी यूनिट वाले पार्ट में. सो लुक्स सो ब्यूटिफुल. और ये है टीवी यूनिट. टीवी यूनिट काफी इसने बेसिक रखा है, यू नो हम काफी जगह देखते हैं टीवी यूनिट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ प्लेस. यहाँ पे उसने मिनिमम में शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब, जिससे आपका ये दीवार ना काफी टाइम यूज नहीं होता है. शी हैज यूज दिस छोटे से दीवार को ही, शी हैज यूज इट कम्प्लीटली. ओके नाउ कमिंग फ्रॉम हियर टू दिस साइड इज द किचन. किचन ऐसा है एंड व्हाइट, शी हैज एडेड व्हाइट कलर, ब्राउन कलर कॉन्ट्रास्ट में, लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड यहाँ पे है फ्रिज, यहाँ पे पूरा क्रॉकरी और ग्लासेस का यूनिट शी हैज केप्ट. दिस समवॉट लाइक दिस, ऐसा व्हाइट है नीचे और ऊपर ये पूरा क्रॉकरी. और स्पेशली यहाँ पे ये जो इसने ये लगाया ना शीशे वाला, दिस लुक्स वेरी नाइस बिकॉज ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो किचन और ज्यादा ब्राइट लग रहा है. सो फ्रॉम दिस साइड ये इधर का साइड हो गया. सो पैरेलल प्लेटफॉर्म से बेसिकली फ्रॉम दिस साइड, और ये है इसका दूसरा साइड ऐसा लाइक दिस. और ऊपर अगेन है आपका फॉल्स सीलिंग एंड दिस ब्यूटिफुल डेकोर का पीस जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ओके सो किचन के दूसरे साइड में है पैरेलल प्लेटफॉर्म है, दूसरे साइड में है एक ड्राई बालकनी विच इज थोड़ा छोटा है तो उसमें स्पेस देने का शी हैड केप्ट. यहाँ पे एक नीचे यूनिट कैबिनेट जैसा बनाया है और यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा ये बनाया है, ये हमारे फ्लैट्स में नहीं है, एक्स्ट्रा बनाया है सो वॉशिंग वगैरह के लिए. एंड शी हैज केप्ट हर वॉशिंग मशीन दिस साइड. चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूम में. सो ये हो गया हमारा किचन. किचन से अटैच जैसे मैंने दिखाया आपको, दिस इज द ड्रॉइंग रूम. ओके लेट मी अभी ड्रॉइंग रूम से मैं आपको इधर वाला एरिया दिखाती हूँ, डाइनिंग एरिया. ओके नाउ कमिंग फ्रॉम डाइनिंग एरिया, सो यहाँ पे पैसेज के राइट साइड, लेफ्ट साइड में सॉरी, जो आप देख रहे हो यहाँ पे है एक कॉमन वॉशरूम. सो वॉशरूम लेट इट बी, मैं आपको वॉशरूम नहीं दिखा रही हूँ, लेट मी जस्ट शो यू दिस एरिया थोड़ा सा. सो यहाँ पे एक वॉश बेसिन है,
तो वॉश बेसिन ये जो मिरर था ना दिस वॉज वेरी प्लेन, सो शी हैज एडेड दीज स्टिकर्स जो रेडिली अवेलेबल है आपके अमेजोन वगैरह पे, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट, यू नो बेसिक मिरर जो है उस पर थोड़ा डिजाइन एड करने के लिए इस तरह के स्टिकर्स आप डाल सकते हो. एंड शी हैज यूज अ जूट बैग टू कीप आपका जो डिस्पेंसर है सोप डिस्पेंसर एंड ऑल. ओके नाउ लेट मी टेक यू टू दी अदर रूम. सो यहाँ पे है गेस्ट रूम. सो यहाँ पे जो है इधर से सोफा कम बेड, तो जब जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से ये यूज होता है. तो यहाँ पे दिस मंदिर, ये भी रेखा ने खुद ही डिजाइन किया है. एंड रियली मतलब आपके अगर छोटा घर है, यू डोंट हैव मच ह्यूज प्लेस फॉर मंदिर, बट यू वांट अ बिग मंदिर, सो दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. काफी सारे यहाँ पे आप मूर्तियां रख सकते हो भगवान के सामान रखने के लिए. शी हैज गिवन दीज ड्रॉर्स ऑल्सो नीचे, सो प्रिटी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल. एंड अगेन दीज कर्टन्स आर सो ब्यूटिफुल. और यहाँ पे बाहर का व्यू है कुछ ऐसा. चलिए और इसका दूसरा साइड मैं आपको दिखा दूं. ओके लेट मी शो यू दिस. यहाँ पे है वॉलपेपर. आई जस्ट लव पेस्टल कलर्स एंड शी हैज यूज्ड मोर ऑफ पेस्टल कलर्स. और ऊपर वार्म लाइट्स हैं सीलिंग पे. एंड यहाँ पे एक पूरा इसने एनफ ऑफ स्टोरेज. आई मीन इतना छोटा कमरा है, स्टिल शी हैज मैनेज्ड टू गिव सो मच. जो आपका स्टोरेज होता है ना, स्टोरेज के लिए काफी जगह शी हैज प्रोवाइडेड. ऊपर भी पूरा आप देख सकते हो स्टोरेज के लिए है काफी ज्यादा. सो दिस इज वॉट द सीलिंग ऑफ दिस रूम लुक्स लाइक. सो छोटा सा रूम है, येट इट हैज बीन यूटिलाइज कम्प्लीटली. कोई ऐसी जगह नहीं जो आपको लगे कि वेस्ट आ रही हो. मतलब मंदिर आ गया, आपका स्टोरेज आ गया, लव इट एब्सोल्युटली. चलिए लेट्स गो टू द अदर रूम. सो यहाँ पे जो पैसेज एरिया है, यहाँ पे भी इसने वॉल पे शी हैज गिवन दिस मोल्डिंग, जिसको शायद काजू कतली टाइप कुछ तो डिजाइन बोल रही थी, आई डोंट रिमेम्बर. ओके सो यहाँ पे है हर डॉटर्स रूम. सो दिस इज वॉट हर डॉटर्स रूम लुक लाइक. डॉटर है, थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए ऐसे कार्टून प्रिंट्स वगैरह शी हैज नॉट यूज. शी हैज केप्ट इट इन द पिंक के शेड में, पेस्टल पिंक में शी हैज यूज दिस वॉल पेपर. यहाँ पे उसका स्टडी एरिया. दिस इज द कर्टन. मुझे कर्टन के चॉइसेस बहुत अच्छे लगे रेखा के, दे आर सच अमेजिंग कर्टन्स. एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम हर रूम. सारे रूम से ही बहुत ही सुंदर व्यू है. कहीं पे भी बेड पे बैठ जाओ, यू हैव दिस ब्यूटिफुल बाहर का व्यू. एंड यहाँ पे भी एनफ स्टोरेज, बहुत ज्यादा स्टोरेज है. यहाँ पे भी यू कैन सी इतना ज्यादा स्टोरेज है. यहाँ पे ऊपर पूरा एब्सोल्युटली काफी सामान रख सकते हो. और यहाँ पे बहुत ह्यूज सा मिरर, यू नो डॉटर है तो एक मिरर तो मतलब चाहिए ही चाहिए, तो उसने भर के पूरा बड़ा मिरर दे दिया है अपनी डॉटर को, विच इज सो स्वीट. ओके सो यहाँ से हम इधर आए तो उसके डॉटर के बेडरूम से ही अटैच्ड है हर बाथरूम. सो आई जस्ट शो यू थोड़ा सा ही. सो यहाँ पे दिस इज हर बाथरूम. सो वही यहाँ पे स्टोरेज के लिए शी हैज गिवन दीज कैबिनेट्स. ओके नाउ यहाँ पे उसकी बेटी ने कुछ तो DIYs वगैरह किए हैं, सो शी हैज केप्ट देम हियर. छोटे छोटे क्यूट क्यूट से DIYs हैं. ओके सो ये है उसके डॉटर का रूम. लेट मी शो यू उसका सीलिंग. तो सीलिंग कुछ इस तरह से है. वार्म लाइट्स यूज करे हैं, थोड़े व्हाइट लाइट्स यूज हुए हैं. सो दिस इज समवॉट लाइक दिस. चलिए अब लेके चलती हूँ मैं आपको मेन रूम, जो कि है मास्टर बेडरूम. सो मास्टर बेडरूम का जो फ्लोरिंग यू कैन सी, फ्लोर जो है दैट इज वुडन. सो आई हैव टू आस्क हर व्हेदर दिस इज रियल वुड और वॉट. सो आई हैव टू चेक दैट विथ हर. तो यहाँ पे आते ही इस साइड में है एक अटैच्ड बाथरूम. सो आई एम नॉट टेकिंग यू इनटू दैट. सिमिलरली है कैबिनेट्स वगैरह लगाए हैं बाथरूम में. सो यहाँ पे शी हैज केप्ट आर्टिफिशियल प्लांट. एंड जस्ट लुक एट दी वाइब ऑफ दिस रूम. एंटर होती यू फील सो वार्म, जैसे एक बेडरूम को होना चाहिए बिल्कुल वार्म एंड कोजी सा फील होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट. सो यहाँ पे है उसका ड्रेसिंग यूनिट, विच इज काफी सुंदर लग रहा है मुझे. बिल्कुल सिंपल सा एक स्लीक सा उसने यहाँ पे मिरर दिया है. और इसके अंदर ये पूरा देखो स्टोरेज है. जस्ट बिकॉज ऊपर एक स्लीक सा मिरर है और पीछे व्हाइट है, इसलिए नो ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई यूनिट रखा हुआ है. इट गोज विद द फ्लो, तो आपका ऐसा लग नहीं रहा कि घर भरा भरा है, विच इज वेरी स्मार्ट थिंकिंग आई मस्ट से. सो ये कुछ ऐसा है, वेरी नाइस. एंड अगेन दीज कर्टन्स आई जस्ट लव. मैं बार बार वही बोल रही हूँ, आई लव ऑल द कर्टन्स दैट शी हैज यूज्ड. और ये है यहाँ का कुछ व्यू. ओके लेट मी टेक यू टू द अदर साइड. तो ये पूरा बेड यूनिट ऐसा है. ओके यहाँ पे वॉल पे भी शी हैज यूज्ड दैट मोल्ड, जो मैं आपको बोलती हूँ ना मोल्ड वाला डिजाइन जो होता है, मोल्डिंग यूज करा हुआ है, विच लुक्स वेरी नाइस. और इधर है आपका बाहर बालकनी है. एंड अगेन हियर शी हैज यूज्ड एम्पल अमाउंट ऑफ, शी हैज गिवन हरसेल्फ एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज.
जो हमें किसी फ्लैट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, दैट इज स्टोरेज. एंड आई थिंक उसने बहुत सारा स्टोरेज यहाँ पे अपने लिए करा हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली ऑसम. यहाँ पे है सीलिंग कुछ ऐसा. एंड कमिंग फ्रॉम हियर, लेट मी शो यू, यहाँ का ना व्यू इज सो अमेजिंग. एंड सी, यहाँ पे भी उसने जो है ना डोरमैट, ये जो आपने जैसे हम जनरली ना बेड्स उतरती कारपेट रखते हैं ना, शी हैज एडेड दिस ग्रीन कलर. और ग्रीन कलर कहीं पे भी रखो ना, ब्राउन एंड ग्रीन दे मैच, जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, इतना सुंदर लगता है. सो दिस इज द व्यू फ्रॉम हर बेड. बहुत ही सुंदर रुको, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ. सारा हटा देते हैं, लेट मी जस्ट शो यू द व्यू. ये है उसके बेड पे बैठ के बाहर का व्यू, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन. सो बहुत ही वार्म एंड वेरी यू नो कोजी कोजी सा बेडरूम है. Oh,
लगा ना आपको मस्त इसका घर रेखा, सीरियसली मतलब मैं तो बहुत बार देख चुकी हूँ बट अब जब मैं इसको शूट किया है ना, आई गॉट टू सी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ऑफ द हाउस. तो आई ट्राई टू डू जस्टिस बट एक्चुअल आंखों में जो दिखता है ना जो सुंदर, वो कैमरे में कैप्चर नहीं होता है. बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो हर हार्डवर्क. यू डिड ग्रेट जॉब. थैंक्स. अब तो जब वीडियो देखेगी तभी पता लगेगा मान जी तूने ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया. No, I'm happy. Whatever you do, I'm happy with you. Yeah. तो चलो मैं इनका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन गेट इन टच विथ हर. कुछ भी आपके इंटीरियर से रिलेटेड हो ना, कुछ भी क्वेरी, शी वुड बी हैप्पी टू हेल्प बिकॉज शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प. यस, छोटी मोटी चीजें, पाइपिंग और ये सीपेज की इश्यूज. Yeah, yeah, I'm always there and बजट फ्रेंडली, हाई बजट, ओनली रेजिडेंशियल साइड. रेजिडेंशियल का करती है. एंड डोंट वरी अबाउट द बजट, इवन इफ यू हैव द लोएस्ट बजट वी कैन वर्क ऑन इट. और मेरा रेफरेंस दे देना. मैं मानसी के फ्रेंड हूं तो पक्का रेखा और डिस्काउंट देगी. यस यस यस. तो चलिए फ्रेंड्स, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो आई रियली होप आपने कुछ सीखा होगा वीडियो से, और कुछ जानकारी चाहिए तो शी इज ऑलवेज देयर एंड आई एम ऑलवेज देयर. सो चलिए इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना. अगर कुछ क्वेरीज हैं आपकी, ऑलवेज यू कैन लीव अ कमेंट ऑल्सो इन माई कमेंट सेक्शन. सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ. आई रियली होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा. सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.